इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसकी वैल्यूज दी हुई है हमें। जैसे यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी, कॉसेक पी, सेक पी एंड कॉट पी। जो क्वेश्चन पार्ट वन था मैं आपको बताता हूं, उसमें हमें सेम क्वेश्चन दिया था, सेम वैल्यूज थी हमारे पास साइड्स की और हमें वहां पर साइन आर की वैल्यू निकालनी थी। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, पार्ट वन में हमें क्वेश्चन था, ये हमने सारी वैल्यू ड्राइव की थी, सेम वैल्यूज हैं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और हमें वैल्यूज करनी थी साइन आर, कॉस आर, टेन आर की, और हमने एंगल आर के अगेंस्ट ये सारी वैल्यूज बनाई थी। मगर सेकेंड क्वेश्चन में चैम्स हमें दिया गया है साइन पी, यानी जो एंगल पी है इसके अगेंस्ट अब हमें वैल्यूज निकालनी है और वो भी सारी वैल्यू सेम निकालनी है। तो यहां मैं आपको एक पॉइंट बता दूं चैम्स, हमारे आंसर जो क्वेश्चन वन में थे ये आंसर वैसे नहीं निकलने वाले, इन साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यूज कुछ और निकलेंगी। और उसका सबसे बड़ा राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए चैम्स। यहां देखिए आप दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस, यहां पर हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं और यहां पर हम पी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चैम्स यहां होना क्या है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई वैल्यू एंगल की निकालने दी जाती है, यानी यहां पर हमें साइन आर दिया हुआ था, यानी साइन इस एंगल आर के अगेंस्ट हमें जो साइड्स थी उनके रेशियोज निकालने थे। तो एंगल आर जब हमें पूछा गया तो एंगल आर के अपोजिट वाली साइड आप हमेशा याद रखिए, जो भी एंगल हमसे पूछा जाता है उसके अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा पी क्यू जो था वो परपेंडिकुलर बन गया था और क्यू आर जो था वो बेस बन गया था। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर, यहां पर हमें क्वेश्चन में पी पूछा गया है, तो पी के अपोजिट साइड कौन सी है चैम्स? यहां पर पी के अपोजिट साइड है क्यू आर। तो पी के अपोजिट साइड जो भी साइड साइड दी है इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इसके एडजेसेंट में, परपेंडिकुलर के एडजेसेंट में जो साइड रहेगी उसको अब हम बेस मानेंगे और हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो इंटरचेंज हुआ है वो परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर पी क्यू था, यहाँ पर बेस क्यू आर था, यहाँ पर परपेंडिकुलर, अब बेस यहाँ पर हो गया पी क्यू क्वेश्चन सेकेंड में और परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, तो दोनों में रिवर्स ऑर्डर हो गया जैसे ही एंगल की वैल्यू हमने कोई दूसरी ढूंढने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। तो अब साइन पी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन पी हमारे पास क्या है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर है 5 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर। तो ये साइन पी की वैल्यू निकल गई। अब हम कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस पी कैसे निकलेगा, कॉस पी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यह है बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस क्या है इस ट्रायंगल में, बेस अब ये है तो ये है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो कॉस पी की वैल्यू भी निकल गई। अब हम टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, टेन पी क्या है, अगर टेन पी में जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर। अब तो 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहां हमारी 10 P की वैल्यू भी निकल रही है। चैम्स क्या बाकी की तीन वैल्यूज निकालेंगे मेरे लिए? चलिए ये भी वैल्यूज मैं निकाल देता हूं, कोई बात नहीं। तो कॉसेक पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉसेक निकलेगा कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर हमारे पास ये नहीं है, ये है 5 सेंटीमीटर,
ये भी आंसर हमारे पास आ गया। सेक की वैल्यू निकाल देते हैं अब हम, सेक पी की वैल्यू निकाल दें तो सेक हमारे पास यहां पर है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी आंसर निकल गया चैंप्स। और लास्ट में हमारे पास कॉट है, तो कॉट पी की वैल्यू जो है हमारे पास, कॉट पी कैसे निकालेंगे, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो चैंप्स अब मैं आशा करता हूं तो आपको क्वेश्चन ए और क्वेश्चन टू दोनों के दोनों समझ आ गए होंगे, एंगल आर और एंगल पी की वैल्यू कैसे ड्राइव करते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेशन में कुछ और इसके एडवांस सम भी लेकर सॉल्व करते हैं और समझते हैं इस सेशन को। मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में बने रहिए चैंप्स, बहुत मजा आने वाला है।